गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. आज मैं उसी सीरीज की अगला लेक्चर आपको दे रहा हूं, जिसमें हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द फिनोल. मगर इसको डिस्कस करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास माइनस आई इफेक्ट लग रहा है या माइनस आर इफेक्ट लग रहा है या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है या प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, तो फिनोल के एसडी करैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा. तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि अगर माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट है तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है. एसडी करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट है तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज करेगा. फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मान लो प्लस आई इफेक्ट लग गया या प्लस आर इफेक्ट लग गया तो हम कह रहे हैं एसडी करैक्टर बढ़ेगा, सॉरी एसडी करैक्टर घटेगा, मगर माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट है तो एसडी करैक्टर बढ़ेगा. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट लग रहा है तो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एसडी करैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. मगर अगर प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट लगा हुआ है तो उसकी वजह से फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि एसडी करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जितना ज्यादा स्टेबल हमारा एनायन होगा उतनी इजीली कोई भी एसिड क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा. तो मेन सारा जो एसडी करैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना स्टेबल आपका फिनोक्साइड एंड रिस्पेक्टिव फिनोल का बन रहा है. अब कुछ बातें हो रहेंगी आपकी, सर ये सारी बात आपकी ठीक है. कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होंगे जो प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होंगे जो माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं. तो इस तरह वैरायटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ क्या हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल. अब ये वाली बात तुम्हें तो क्या हुआ, डिक्रीज ही करेगा जैसा मैं पहले बता चुका हूं. अब यहां पर कंट्राडिक्शन क्रिएट होगी कि हम किसकी बात माने. अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात मानता हूं तो एसडी करैक्टर घट रहा है, मगर अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात मानता हूं तो एसडी करैक्टर बढ़ रहा है. यहां पे भी इसी तरह उल्टा हो रहा है, तो हम किसको मानेंगे? तो आप एक रूल मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट वी प्रेफर रेजोनेंस इफेक्ट. बट इसका एक एक्सेप्शन है जो तुम्हें नोट करना है साथ के साथ कि इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग इन केस ऑफ हैलोजन्स. मगर जब हैलोजन्स आ जाएंगे तो उस केस में माइनस आई इफेक्ट को प्रीडोमिनेट कर देंगे प्लस आर इफेक्ट के ऊपर. यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? तो ये सब अगर आपको बातें क्लियर हैं तो बड़े आराम से मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वन बाय वन. ये सारे इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जैसे कि बोर्ड पे मेंशन मैंने कर रखा है, ऑल इंडिया मेंस में आ रखे हैं, जेई में आ रखे हैं, पीएमटी में आ रखे हैं, और ये जो स्टार्टिंग के एच से ऊपर ये जी से ऊपर वाले क्वेश्चन है सारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो भी आपका पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीजों की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, बड़े ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है. हमको टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे. जब आप कहेंगे कि टॉपिक क्लियर है तभी आगे चलेंगे, ठीक है? तो वन बाय वन करते हैं. जैसे फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिनोल पेपर में जब भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से तो पहले आप उनके स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. अब यहाँ पे मैंने जो जो बातें आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हैं वो बातें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है. मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की भी बात की थी, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी डिटेल में डिस्कस वन बाय वन चलेंगे. हमको जो भी कंपैरिजन करना होता है कि किसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा है या कम है, वो हम फिनोल के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं. तो फिनोल से हमने देखना है किसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा है
और किसका एसिडिक करेक्टर कम है। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, अगर हम यहाँ पे नाइट्रो की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रो क्या करता है, माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। मगर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो सारे बच्चे, कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट एक्टिवेट नहीं होता, काम नहीं करता। मेटा पे हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं करते। तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की तो बात नहीं करेंगे, मगर किसकी बात करेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यस लगेगा। और यहाँ पे पैरा पे माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा और माइनस आर इफेक्ट भी लगेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको रूल्स कुछ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनको छोटे छोटे नोट कर ले, बुक में इजिली आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान देने वाली है कि मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा। अच्छा, इन सब में माइनस इफेक्ट है, तो इसका मतलब इन तीनों का एसडी करेक्टर फिनोल से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। इनमें सबसे वीक कौन हो गया, फिनोल। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इन सब में स्ट्रोंगर एसिड कौन सा है, तो हमारे देखते हमारे दिमाग में आ रहा है या तो ऑर्थो होगा या पैरा होगा, क्योंकि इस पे ज्यादा है माइनस इफेक्ट है, ये तो कम ही होगा। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं सबसे कम तो किसका होगा, फिनोल का, और फिर कौन आ जाएगा, मेटा। अब हमारे पास किसकी लड़ाई बच गई, ऑर्थो और पैरा की। तो मैं आपको यहां पे रूल दे रहा हूं, ध्यान रखना कि आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव एट पैरा पोजीशन ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहां पे दोनों ग्रुप पास पास है, हिंड्रेंस हो जाती है। अच्छा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल केस में एक केस और भी रहता है जिसकी वजह से ऑर्थो कम होता है, कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये शो करता है, जिसकी वजह से इजिली हाइड्रोजन नहीं दे पाता, इसलिए ऑर्थो का जो एसडी करेक्टर है वो पैरा से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो इसलिए थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ऑर्थो, और सबसे ज्यादा किसका होगा एसडी करेक्टर बताइए, पैरा। तो आपका यही फर्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब हुआ, जो हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन, तो कभी आपसे कोई पूछे कि भाई सर बताइए किस बेटा किसका होगा ज्यादा, तो आपने ये पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, और सबसे कम किसका होगा, फिनोल का। सबको क्लियर है। मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसी में कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, आप लोगों ने दोबारा इसी को ड्रा करना स्ट्रक्चर्स। अब अगला हमारा केस क्या है बेटा, देख सकते हैं आप बोर्ड पे कि जो हमारा अगला केस है वो क्या है, फिनोल टू नाइट्रोफिनोल टू फोर, टू पे एंड फोर पे, टू फोर नाइट्रोफिनोल, और अगला है टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब अगर हम बात करें सर किसका ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल से आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि मान लो एक जगह कोई फंक्शनल ग्रुप सिंगल लगा जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप दो लगे, तो मल्टी ग्रुप जब लगे होते हैं माइनस इफेक्ट जो शो करते हैं, तो जितने ज्यादा मल्टी ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एसडी करेक्टर बढ़ जाएगा। अब तुम्हें पता है यहाँ पे केवल ऑर्थो पे केवल यहाँ ऑर्थो और पैरा पे माइनस आई और माइनस आर दोनों लग रहे हैं, यहाँ पे तीन फंक्शनल ग्रुप शो करें, तो सबको देखते ही समझ आ रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल स्ट्रोंगर एसिड। अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ जिससे आपकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, हमने सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया, मैंने इस पर डबल क्लिक कर रखा है, ये भी ऑल इंडिया पीएम कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एसडी करेक्टर किसका है, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल का ज्यादा है, टू फोर डाई नाइट्रोफिनोल इसका ज्यादा है, ऑर्थो से ऑर्थो का ज्यादा है फिनोल से। नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिनोल ऑर्थोक्रिजोल मेटाक्रिजोल एंड पैराक्रिजोल। अब इसकी बात करते हैं सीबीएसई के पॉइंट से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, क्रिजोल क्या होता है। सबसे कई बच्चे तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं मगर वो स्ट्रक्चर्स ही नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप सबको अपना कॉमन नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं बाद में एक लेक्चर दूंगा कि कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इस टाइम हम उस पर नहीं जाते,
लेक्चर के ऊपर। तो हम बेसिक बात करें तो बेसिक बात क्या है, क्रिजोल। क्रिजोल आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। अगर मैं ऑर्थो क्रिजोल की बात करूं, मेटा की बात करूं तो मेटा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे मिथाइल ऑर्थो पे। फिर हम क्या करें मेटा क्रिजोल, और फिर हम क्या कह रहे हैं पैरा क्रिजोल। क्लियर है, हमारे पास क्या है फिनोल ऑर्थो क्रिजोल मेटा। अब इन चारों में मुझे कंपेरिजन करना है। अब हम यहाँ पे बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट तो आप सभी बता देंगे कि मिथाइल ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट तो आपको पता है, और एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि प्लस आई इफेक्ट या हम इंडक्टिव इफेक्ट की जो बात करते हैं, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये दूर होता जाएगा, जैसे मान लो सी ओ एस से मिथाइल ग्रुप जितना दूर होता जाएगा, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। और जितना पास है उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको? तो यहां अभी में आपके नजर इसमें तो नजरी आ रहा है सबसे ज्यादा यहां पे है ये इस, मगर यहां पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एक और इफेक्ट शो करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। यहां पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लगेगा, तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन में बाद में करूंगा, अभी बीच में पॉसिबल नहीं है टॉपिक को लाना। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फिलहाल के लिए आप इतना मान लीजिए कि इट्स शो जस्ट लाइक ए प्लस आई इफेक्ट इन दिस केस। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से इन दोनों में जो प्लस इफेक्ट है ऑर्थो और पैरा में, दैट इज मोर देन मेटा। अब एक ध्यान देने वाली बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा मैंने बताया था माइनस इफेक्ट है उतना स्ट्रोंगर एसिड है, और जितना यानी कि कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतना वो स्ट्रोंगर होगा। जैसे अगर इनमें प्लस आई इफेक्ट कम बात करूं तो यहां पे है, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। हाइयर इज द प्लस इफेक्ट, वीकर इज द एसिड। ये पॉइंट भी नोट करो कि जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना वो वीकर एसिड हो जाएगा। तो अगर हम इनमें बात करें इन चारों स्ट्रक्चर्स में ध्यान से, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि वीकर कौन सा होगा, तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन हो गया, फिनोल। फिनोल के बाद तुम्हें नजर आ रहा है मेटा। अब इन दोनों में कंट्राडिक्शन है ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि दोनों में प्लस आई इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन है। क्या लगता है आप लोगों को किसका ज्यादा होगा इन दोनों में से? ज्यादा उसका होगा एसिडिक्स्ट्रेंथ है, जिसपे प्लस इफेक्ट कम होगा। अब प्लस इफेक्ट कम किस पे होगा, पैरा पे। क्यों कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस की अभी मैंने आपको बताई थी, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे पास है, यहाँ प्लस इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है, मगर पैरा पे प्लस इफेक्ट क्या है, कम है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्लस इफेक्ट बनेगा वो कम बनेगा, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, पैरा। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ऑर्थो आता है, मगर यहाँ पे क्या आएगा, पैरा। ये ध्यान देना। और फिर लास्ट में आपका सबसे यहाँ पे वीकेस्ट एसिड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो क्रिजोल। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा, फिनोल, फिर मेटा क्रिजोल, फिर पैरा क्रिजोल, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, आपका ऑर्थो क्रिजोल। यहां तक बताइए जो आपको डाउट लग रहा हो, किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा बता दीजिए, सबको क्लियर आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके ऊपर जितना ज्यादा आप घर पे जाके इनको रिवाइज करेंगे, और ये नहीं कि तुम सोचोगे एक ही बार में समझ आ जाएगा, तुम्हें इसको बार बार लेक्चर को देख देख के क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब थोड़ा लेवल और चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, लेवल हर एक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम सिखा के बचूं। अगले में और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिनोल, नेक्स्ट इज ऑर्थोमिथोक्सी। अब मिथोक्सी सबको पता ही क्या होता है, OCH3। नेक्स्ट मेटा। अब मेरे ख्याल से आपको बेसिक फंडा क्लियर हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करूंगा ताकि आपको टाइम भी आपका कम लगे और ज्यादा ज्यादा गेन कर सकूं। अब यहाँ पे खास बात क्या, मिथोक्सी क्या शो करेगा,
अब तुम्हें पता है मैंने बताया था कि जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मगर जितने फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन से सिंगल बॉन्डेड अटैच हैं और उन पे लोन पेयर है वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो अब यहाँ पे जो मिथॉक्सी है माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, प्लस आर भी कर रहे हैं, मगर मेटा में मैंने तुम्हें कहा था कि रेजोनेंस इफेक्ट तो काम करेगा ही, तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा? माइनस आई इफेक्ट। और पैरा पे माइनस आई और माइनस आर। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि कई बार ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। जैसे यहां पे ध्यान से देखें तो माइनस आई और ये माइनस आई और प्लस आर, माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। प्लस कह रहा है घटेगा, माइनस कह रहा है बढ़ेगा, मगर मैंने तुम्हें कहा था जब इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट की बात हम करेंगे तब हम किसको प्रेफर करेंगे बताइए? रेजोनेंस इफेक्ट को। तो जब हम रेजोनेंस इफेक्ट को प्रेफर करेंगे यहां से माइनस आई इफेक्ट को हटा देते हैं और ऑर्थो पे से भी माइनस आई इफेक्ट को हटा देते हैं, केवल किसकी बात करेंगे? प्लस आर की। क्लियर है? और मेटा पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस। अब इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में अगर मैं इसे ए बी सी डी बना देता हूं तो मुझे सबसे पहले ये बताएंगे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा आ रहा है? माइनस इफेक्ट किस पे है? बोलिए, सी पे। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन हो गया? सी। किसके कंपैरिजन? फिनोल ए। अभी इसके कंपैरिजन में इन दोनों पे प्लस इफेक्ट है तो फिनोल से तो ये वीक रहेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे रेजोनेंस इफेक्ट है तो मुझे बताइए रेजोनेंस इफेक्ट मोर इफेक्टिव कहां पे होता है? पैरा। तो यानी ज्यादा प्लस इफेक्ट कहां पे है? पैरा। तो वीकेस्ट कौन होगा? पैरा। तो ऑर्थो, इसके बाद क्या आ जाएगा? सी, फिर आपका आ जाएगा बी और लास्ट में कौन आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई पॉइंट से 2019 के पेपर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए आप एक ही क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे। और इसके बाद जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा लेक्चर जो मैं कल देने वाला हूँ उसमें बेसिकली आप ध्यान रखिए कि वहां से तो ये समझ लो कि आज और कल के लेक्चर से मिला के मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो इनको आप बड़े ढंग से करके जाए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, मेटामिनोफिनोल, मेटामिथॉक्सीफिनोल एंड फिनोल। अब थोड़ा सा हटके मिथॉक्सी और अमीनो बाकी ट्रेंड सेम रहेगा, मगर मेटा में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आएगी। मान लो ये दोनों आ जाए तो क्या होगा? अब ये सारे अगर आप ध्यान से देखें मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूं इसमें बेसिक फंडा क्या इस्तेमाल हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके ऊपर मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किसका ज्यादा होगा, सेकंड वीडियो में मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई है याद करने की, तो उसमें आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, उससे आपको जो क्लैरिटी हो जाएगी भाई कौन ज्यादा करता है इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा यहां समझ आएगा।